अटेम्प्ट किए? 100 फुल ओपल 180 क्वेश्चन था पूरा एग्जाम। अच्छा गया, अच्छा हाँ, इजी टू मॉडल ऐसा था जिसमें थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था। इजी था क्वेश्चन, इजी आ रहा था, इजी आ रहा था। देखिए हम KBS एग्जाम सेंटर पे आए हुए हैं और अभ्यर्थियों आ रहे हैं, तो देखिए मैं उनसे बात करूंगा किस टाइप से और कहां से क्वेश्चन है। तो आने दीजिए अभ्यर्थियों का, आइए। कैसा गया पेपर? अच्छा गया। कैसा रहा है एग्जाम? अच्छा गया। कितना अटेम्प्ट किए? 100 फुल ओपल 180 क्वेश्चन था पूरा किया। कितना कितना अटेम्प्ट किए? टाइम मैनेजमेंट हुआ है या नहीं? हाँ हो गया, टाइम मैनेजमेंट हुआ। हाँ हाँ। तो कुछ क्वेश्चन जो याद है आपको बोल दीजिए। नहीं बताइएगा। आइए, कैसा गया एग्जाम? अच्छा गया। अच्छा गया, हाँ, इजी टू मॉडरेट था पेपर। इजी टू मॉडरेट था। पैराग्राफ किस टाइप से था? सही था पैराग्राफ, इजी था। इजी था। और CDP भी सही था, कुछ कुछ सी टेट से भी था, कुछ उसका कॉन्सेप्ट मिल रहा था, जिसका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो तो आई थिंक एग्जाम टफ नहीं था, इजी टू मॉडरेट था। इजी टू मॉडरेट था। और पेपर कुछ मनोवैज्ञानिक का नाम भी था क्या? हाँ, पियाजे से एक क्वेश्चन था और कोलबर्ग से भी एक क्वेश्चन था। अच्छा। प्री कॉन्वेंशनल के बारे में, उनके स्टेजेस के बारे में। अच्छा, कैसा गया एग्जाम सर आपका? मेरा लगभग अच्छा ही गया एग्जाम। एग्जाम अच्छा गया। सम पोर्शन ऐसा था जिसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ था। अच्छा, जैसे कि हिंदी में पेपर थिंकिंग बेस्ड था या नहीं? कुछ NCERT बेस्ड था, कुछ थिंकिंग भी था, मॉडरेट कह सकते हैं मिला जुला के। मेरे मॉडरेट मॉडरेट इजी नहीं था आज पेपर। इजी मैथ था आज का। मैथ इजी था। मैथ इजी। EBS भी इजी था, NCERT बेस्ड था, और 4-5 क्वेश्चन था वो जिसमें कहाँ से आया था, वाला, थीम से था या नहीं था क्वेश्चन? नहीं, थीम आधारित नहीं था। नहीं, खेती के बारे में पूछ रहा था, जैसे मिजोरम में चावल की खेती होता है। अच्छा। तो बोरा के बारे में पूछा, बोरा क्या है? बोरा चावल के बारे में, चावल के बारे में पूछा। अच्छा। और एक टीन से खेती जो होता है मिजोरम में, एक टीन खेती। हाँ, तो इसके बारे में पूछा हुआ था। और क्वेश्चन क्वेश्चन ठीक ठाक ही था। कैसा गया पेपर? बढ़िया था पेपर, इजी था क्वेश्चन, इजी आ रहा था, इजी आ रहा था। हाँ, कुछ क्वेश्चन बता दीजिए जो हिंदी से किस टाइप से क्वेश्चन था। हिंदी व्याकरण से भी था? हाँ, हिंदी व्याकरण से ज़्यादा था, उसमें असंगतियाँ ज़्यादा पूछ रहा था। ठीक है। अच्छा। व्याकरण से इसमें पूछ रहा था हिंदी, विशेषण से था, सर्वनाम से था। अच्छा। और विलोम शब्द था, विलोम शब्द भी था। हाँ, विलोम शब्द था, और इससे भी था रिमझिम। अच्छा, इस बार KVS में मतलब रिमझिम से ज्यादा छाया हुआ। कितना क्वेश्चन था उसमें से? 6-7 क्वेश्चन था, 6-7 क्वेश्चन था। हाँ, रिमझिम से, और फिर इसके बारे में भी था, रचनाकार कौन से हैं, रचयिता कौन से हैं। मैथ कैलकुलेट बेस्ड था या थिंकिंग बेस्ड था? थिंकिंग बेस्ड नहीं था, नॉर्मल था, मैथ नॉर्मल था। हाँ, कैलकुलेशन बेस्ड था, कैलकुलेशन बेस्ड था, नॉर्मल था, बन जाता है बढ़िया से। इजी जो क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। लगता कि CDP इजी था या बात? CDP में देखिए क्या है ना, कि वैसे ही जैसे बाई फॉरगेट कर दिया है, टोटल जो 60 क्वेश्चंस हैं सबको बाई फॉरगेट कर दिया, 15-15 10-10-10 में। अच्छा। हाँ, उसी के हिसाब से पूछ रहा है, और मतलब CDP का लेवल वही है, सीटेट से बहुत नीचे लेवल का है। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट आपका हुआ कि नहीं? हाँ, आराम से हो गया, आधे घंटे पहले ही हो गया था। आधे घंटे पहले? हाँ, कोहलबाग यानी आपका तैयारी पूरी थी। हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। कोहलबाग से पूछा था, जो रिसेंट में पियाजे से पूछा था, और सेंसरी मोटर स्टेज पूछा था, प्री ऑपरेशन स्टेज पूछा था, RTE एक्ट था, NEP था। NEP से क्या क्वेश्चन था? दो तीन क्वेश्चन था। कोहलबाग का एक था और पियाजे का एक क्वेश्चन था। अच्छा। जिसमें स्टेज के बारे में पूछा हुआ था और एज के अकॉर्डिंग लगाना था उसमें। अच्छा। कोहलबाग में एज बताना था, एज था। हाँ, और पियाजे में सेंसरी मोटर स्टेज था, उसमें ऑप्शन था, और प्री ऑपरेशनल स्टेज था जिसमें से ऑब्जेक्ट परमानेंस था, शायद वही था ना, ऑब्जेक्ट परमानेंस था। चलिए, कितना आ जाएगा नंबर देखिए फिर इस बार? कितना था? लगभग NEP से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था, मतलब न्यू एजुकेशन पॉलिसी या 1986 और 2020-2005। इतना अटेम्प्ट कर लिया है? अटेम्प्ट तो लगभग निगेटिव है, तो सभी लोग सभी ही करते हैं। निगेटिव तो पेपर नहीं है। हाँ, निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सभी तो अटेम्प्ट पूरा ही करते हैं, लेकिन समय मैनेजमेंट, समय बहुत अच्छा मैनेज हो गया है अगर। हाँ, क्यों मैथ, क्योंकि उसका बहुत ही अच्छा था, कैलकुलेटिंग बेस्ड था, उसमें मैथ में किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, और जिन्होंने CTET का तैयारी किया होगा उसका EBS भी कोई विशेष उसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। EBS यानी कंटेंट बेस्ड था, जो टीचर होंगे, जो हिंदी वाला क्वेश्चन था कि खेत
को कैसे बांट हमें जोड़ा होगा मिजोरम उसका आंसर होता लॉटरी था फिर डिजीज के बारे में था डिजीज के बारे में भी पूछा डिजीज के बारे में पूछा था कौन सा डिजीज से था डिजीज का ऑप्शन था ये था जिसमें जो किन्होंने क्या दिया है जो रतौंधिया किससे होता है और एक एक गला का जो घेगा होता है घेगा रोग किससे घेगा हाँ उसके बारे में बताया ऑप्शन में क्या क्या था उसका ऑप्शन मतलब उसके उन्होंने किन्होंने दिया उसका जो मतलब दवाई जो है वो बनाने का किसका है जैसे लुई पास्टर का पूछे हुआ था चार कोट था उसमें से मिलाने वाला था लुई पास्टर था एडवर्ड जेनर का था और हुक का भी था तो जीवाणु वाला खोज का था इसमें से टिक करना था मिला सभी का जनक था सबका जनक लिखना था कि जनक किसका है से सभी बीमारी का खोज किसने किया था उसके बारे में था मतलब ओवरऑल मैथ अच्छे थे सीडीपी सही थे और जो टीचर होंगे या जो जिन्होंने ग्रामर का बेस पकड़ रखा होगा उनका हिंदी बेस बहुत अच्छा है जो हाँ कोई किसी भी प्रॉब्लम में अगर वो तो साइंस सब्जेक्ट में जो है विटामिन है चाहे उसमें कुछ जो होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बस वही फंसते हैं क्योंकि ज़्यादातर बच्चे का वो लगातार प्रिपरेशन में नहीं रहते जिसके कारण बस वही लेकिन मैथ सीडीपी ये सब सही है रीजनिंग भी उतने बहुत ज़्यादा हाई लेवल की नहीं है बस कॉमन बेस्ड है उसमें ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है चलिए तो आपने देख लिया तो हम पूरे एग्ज़ाम जो भी एग्ज़ाम सीआरपीएफ का है उसको भी हम कवर कर रहे हैं तो हम पूरे बिहार घूमकर भ्रमण कर रहे हैं केवीएस एग्ज़ाम सेंटर पे तो जुड़िए हमसे और हम आपको हर इंफॉर्मेशन छोटी बड़ी खबरें देते रहते हैं फिलहाल इतना ही नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद।